स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमने एल आई सी एच एल एफ होम लोन का एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने लिए एक होम लोन लेना चाहते हैं जो कि हर किसी का एक सपना होता है तो उस होम लोन के चलते आपको एल आई सी एच एल एफ दे रहा है एक शानदार होम लोन जिसके चलते आप एल आई सी एस एल एफ़ से हाउसिंग लोन ले सकते हैं दोस्तों अगर आपने उस वीडियो का नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप चाहें तो उसको दे सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल आई सी एस एल एफ लोन कौन लोन ले सकते हैं चाहे वो सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल या फिर एन आर आई इन सबको मिल सकता है मान लीजिए अगर आप एक 25 लाख का लोन 20 साल के लिए लेना चाहते हैं तो इस केस में आपकी ईएमआई कितनी आएगी आपको किन्टरेस्ट कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं आज का इस वीडियो और यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप 25 लाख का लोन 20 साल के लिए ले लेते हैं तो आपको हर महीने कितनी ई देनी पड़ेगी और उस, उसके साथ साथ टोटल आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आखिर में पच्चीस साल के आखिर के 20 साल के बाद आपको कितना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम आ गए हैं एल आई सी एच एल एफ़ के ऑफिशियल साइट पे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है लोन अमाउंट लोन अमाउंट रिक्वायर्ड आपको इसका मतलब है दोस्तों आपको कितना रुपये का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमने पच्चीस लाख के बारे में बात किया है तो इसको हम पच्चीस लाख कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे पच्चीस लाख फिर आप कितने साल के लिए लेना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए साठ महीने लिखा गया है क्योंकि हमने 20 साल के बारे में बात किया था तो 20 साल का मतलब होता है दोस्तों 240 दो महीना एक साल का 12 महीना तो 20 साल का 240 महीना हो गया तो इसको हम 240 कर देंगे फिर यहाँ पे दोस्तों आता है इंटरेस्ट रेट तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दोस्तों वो अराउंड नाइन के आसपास चल रहा है तो इंटरेस्ट रेट अब वो वेरी करता है आठ से दस के बीच में तो हम इसका बीच का रेट नाइन परसेंट ले लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको 8.5, 8.6 के आसपास भी लोन मिल जाता है इसके चलते अगर आप देख सकते हैं तो आपका जो लोन होगा दोस्तों जो 25 लाख का अगर आप लोन लेंगे तो उसका ई एम आएगी हर महीने बाईस हज़ार चार सौ तिरानवे लगभग बाईस हज़ार पाँच सौ रुपये आप यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे दोस्तों बीस साल में अट्ठाईस लाख लगभग उनतीस लाख रुपया और आप पच्चीस लाख के लोन पे टोटल पे करेंगे दो, तो दोस्तों दोस्तों लगभग फिफ्टी फोर लाख रुपए यानी कि आप ले रहे हैं दोस्तों लोन पच्चीस लाख का और पे कर रहे हैं फिफ्टी फोर लाख का इसका मतलब दोस्तों आप जितना लोन ले रहे हैं उससे दो गुना से भी चार लाख रुपए एक्स्ट्रा आप लोन पेमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों इसका अगर इसका आप ठीक से देखेंगे तो ये एक घाटे का सौदा लगता है जी हाँ दोस्तों अब ऐसा क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके चलते इस लोन को आप कम समय में पे कर सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत पैसा आप बचा सकते हैं क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँ जिसके वजह से आपको ये 54 लाख के जगह पे इसको मान लीजिए आपने 25 लाख का लोन लिया और चार पाँच छः लाख दस लाख रुपए इंटरेस्ट करके ही आपको 35 लाख के अंदर आपने लोन पेमेंट कर दिया और उसके लिए आपको 20 में 40 20 साल रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है बस आपको ये 12 से 10 से 12 साल में पेमेंट कर देंगे क्या ऐसा पॉसिबल है जी हाँ दोस्तों इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका जिसका लिंक मैं दे आपको दे दूंगा आप चाहें तो उस वीडियो से देख सकते हैं कि एक्चुअली में बैंक आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि होम लोन में कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन पेमेंट कर सकें और आपका कीमती टाइम और कीमती पैसा बचा सके तो दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप वो दूसरा वीडियो भी देखेंगे आशा करता हूँ आप सबका दिन मंगलमय हो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए आपका दिन मंगलमय हो धन्यवाद दोस्तों